मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और अनमोल के पापा ऑफिस जा चुके हैं, तो और बच्चे अभी सो रहे हैं, मैंने भी नाश्ता कर लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद काम करते हैं। काम वैसे साफ पड़ा कमरा, तो थोड़ा समेटा समेटी करनी है मुझे, तो चलते हैं। तो अभी दोनों बच्चों में से कोई भी नहीं उठा है, तो मैं सोच रही सोने दिया जाए इन्हें अभी थोड़ी देर और, फिर उसके बाद उठाऊंगी। तो चलिए, तो मैं आपसे बाद में करती हूँ बात, और हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो बाहर बहुत शोर आ रहा है, क्योंकि आज जो मकान टूटा हुआ था वहाँ पर डल रहा है लेंटर, तो उसके वजह से बहुत शोर आ रहा है, क्योंकि ऊपर जाल वाल बिछाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है आज, तो इस वजह से मैं बाहर नहीं गई हूँ। तो चलिए, तब भी मिलते हैं आपसे बाद में, बाद में बात करते हैं आपसे हम। तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक हो? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो देखिए गाइस, आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखिए बारिश होनी चालू हो रही है। आज मौसम ठंडा रहेगा या फिर घरों में गर्मी रहेगी? जिस दिन बाहर बारिश होती है उस दिन घरों में होती है ज़्यादा हली गर्मी। मैंने नाश्ता कर लिया है, अभी मैं थोड़ी देर में काम करूँगा। तो देखिए गाइस, इतनी बारिश में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। गाइस देखिए, लगता है भगवान जी हम पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। बहुत दिनों की मनोकामना आज ज़्यादा सुन ली भगवान ने, आज बहुत ज़्यादा वाली बारिश हो रही है। देखिए नालियाँ भी ओवरफ्लो हो चुकी हैं। MCD वाले भैया आएंगे शायद से, बहुत तेज बारिश हो रही है। देखिए वहाँ की नाली, देखिए वहाँ की नाली भी देखिए कितनी ओवरफ्लो हो गई। सर बैठेंगे तो लोग बातचीत करें। ओए प्रेम, क्या कर रहा है? हाँ भाई, पापा कहाँ गए? ऑफिस गए हैं। और बता। अच्छा चल ठीक है, टाटा। मेरा फ़ोन में भीग गया, मैं भी थोड़ा थोड़ा भीग गया हूँ। मम्मी ज़रा अभी थोड़ी बात कर रही हूँ किसी से, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद काम कर देते हैं, फिर लेटेंगे आराम से। चलो काम करेंगे थोड़ी देर में। गाइस 6 बज चुके हैं और अनमोल के पापा आ चुके हैं, तो आज पूरा दिन मेरी बात नहीं हो पाई। आज बहुत गर्मी हो रही है, इतनी बारिश हुई आज, 1-1.5 घंटा खूब बारिश हुई है, मगर गर्मी दुगन हो गई, और भी बहुत दुगन गर्मी हो रही है। और एसी चलाओ भाई, एसी चलाओ डैडी के लिए, एसी चलाओ भाई, बहुत गर्मी हो रही है। और डैडी के लिए चाय बनाते हैं, आज शनिवार तो आज जल्दी आ गए, आज बाइक लेके गए थे। तो भाई चाय चढ़ा दी थोड़ी सी, पहले एसी चला दे फिर चाय चढ़ाइयो। आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बिरयानी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। आज बच्चे कह रहे बहुत दिन हो गए बच्चों ने चिकन बिरयानी नहीं खाई है, तो आज बिरयानी बनाएंगे। तो दादा काम धाम नहीं है आज, सब बिरयानी का काम है, तो चाय चढ़ा दो, पहले एसी चला डैडी को, गर्मी लग रही है। और आज सारा दिन नहीं बीता, आज तो मैंने आराम में नहीं करा, आज काम वाम निपटा के। आज अनमोल को बोला मेरी हेल्प कराया, आज अनमोल ने मेरी हेल्प कराई है। और बने रही हमारे ब्लॉग में, देखिए अनुराग कुछ कर रहा है। इधर आके घर में जब दिखाऊंगी तुझे, इधर आ। शायरी गा रहा हूँ, शायरी गा रहा है, मुँह बना बना के शायरी गा रहा है। उसका मुँह देख रही है क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, कर पहले मुँह में से निकालो। मैंने कुछ नहीं करा आज, हाँ जी सर कुछ, मैंने फोन देखा है सारा दिन, फोन देखा सारे है सारे दिन का, देखा है वीडियो, वीडियो भी, वीडियो भी बनवा। ये वीडियो कहाँ कहाँ जाती है, तेरी ट्यूशन वाली मैडम के पास भी जाती है,
जब वो देखेंगे ना देखो क्या बाल वो देखेंगे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को परसों से दे भेजूंगी, मैं बताऊं बहुत आराम है। नहीं नहीं अरे अभी का आराम है, अभी खांसी और बढ़ेगी, अभी खांसी बढ़ा दूंगा, सुनो तो। ये इसका मतलब खुद जानबूझ के खासकर हमें तंग नहीं 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 सच में खांसी आती गाइस, पता है। देखो मेरे को पढ़ने इंग्लिश सही आती है, मैं फ्लावर की स्पेलिंग सुनाती हूँ आपको। फ्लावर FLOWER फ्लावर हो गया। और सुनाता हूँ, मैं ट्यूशन वाली मैम देखेगी ना, और वंडरफुल की वंडरफुल की WONDER देखी कांट का ये मैं तो सब बताऊंगी ट्यूशन वाली मैडम को कि तू क्या करता क्या नहीं करता। पढ़ने के नाम पे इसको खांसी हो जाती है। नहीं मैं पढ़ता हूँ, मेरे को 12 का टेबल सुनाऊं, 12 मंजा 12 12 2 जा 24 12 3 जा 36 12 4 जा 48 12 5 जा 60 12 6 जा 72 12 6 जा 84 12 7 जा 84 12 8 जा 96 और 12 9 जा 108 12 10 जा 120। तो देखिए गाइस मानसी दीदी की कई दिनों से तबीयत ख़राब हो रही है, उनको टाइफाइड हो गया है, तो मैंने ने मना करा क्यों बनाई रोटी, मगर इन्होंने बना ली रोटी, इनसे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो अभी मैं आपकी बात कराती हूँ इनसे। मेरी तबीयत ख़राब है, तुम्हें डॉक्टर ने बोला आराम करने को, ये आराम नहीं करती हैं। नहीं आराम करती हूँ, खाना भी लक्ष्मी जी की बना के दे देती है, मेरे सासू माँ करते हैं, पति जी करके जाते हैं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज रोटी इन्होंने खुद बना ली, आज मैंने अपने आप रोटी बनाई, कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी की बनाती है रोज, आज रोटी नहीं कर मैंने अपने आप ही बना ली। नहीं मैंने काम में लग रही थी, मैं वीडियो ही बना रही थी। देखो ये कितना तंग करता अपनी मम्मी को, ये भी नहीं देखता कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। प्रेम ना बहुत तंग करता अपनी मम्मी को, करता है। देखिए गाइस हमारी बिरयानी रेडी है, और ये है दही टमाटर और प्याज का सैलड है, ये बिरयानी के साथ ही खाया जाता है, इसे कचुंबर भी बोलते हैं। ये देखिए आइए हमारे नॉन वेज खाने वालों, आप भी आ जाइए हमारे साथ, चिकन बिरयानी खा लीजिए। देखिए गाइस अनमोल अनुराग देखिए पढ़ाई कर रहे हैं अपनी अपनी, वो ट्यूशन का कर रहा है और अनमोल रीडिंग कर रहा है। एवरीवन्स माइंड पसन आइसक्रीम मैन लिटिल लेनी SWWT स्वीट, और लिख के याद करना है ना, लिखूं मैं? हाँ लिखना भी है, देखिए पढ़ाई करवा रही है। क्रीमी क्रीमी की स्पेलिंग बिना देखे बताऊंगा creamy इतने दिन आराम करने के बाद में आज मैंने बोला है कि पढ़ाई करो, तो जब जाके बैठा है फ्लावर FLOWER नाम नहीं बैठते बच्चे FLOWER THINGS ड्रिंक्स ड्रिंक्स
जून जुलाई लिखना भी है ये? हाँ लिख दूंगा मैं सर, लिख दूंगा नहीं, साथ के साथ लिख लिख के याद करना। अभी तो इसमें पेज नहीं है। वो कहाँ है? पेंसिल निकाल, जो जो याद कर सब लिख, रीडिंग कर, और टेबल सारी करनी है क्योंकि मंडे से वहाँ जाना है ट्यूशन, तो मैडम को क्या सुनाएगा? मैडम तो कहेगी सारा भूल गया, 8 दिन बीमार है तो 8 दिन कुछ नहीं पढ़ा। कुछ टेक हुई ना, चलो भैया चलो चलो बोलो भाई, बीच में से नहीं बोल रहा, जनवरी बोल। नहीं मैं बीच में से क्या आ रहा, ये चीजें तो शुरू से बोली पड़ेगी, कुछ और शब्द बोल देना। जनवरी बोल, जनवरी इसे जब पढ़ने को बिठाओ तो सब कुछ कर लेता है, मगर जब नहीं पढ़ता ना इसका मन नहीं होता, कुछ नहीं करेगा, अपनी मर्जी से पढ़ता है। गाइस देखिए बहुत देर हो गई, मैंने आपसे बात नहीं करी है, तो आज हमने बच्चों के लिए बनाए थे चिकन बिरयानी, और बच्चे आज बहुत खुश हुए क्योंकि काफ़ी दिन बाद में बिरयानी बनी है। कम से कम 1-1.5 महीना तो हो गया, क्योंकि सावन ख़त्म होने के बाद, सावन में तो हमने बनाया नहीं, सावन ख़त्म होने के बाद 2 बार की चिकन बनाया भी है तो सब्जी बनाई, पर बिरयानी पर आज बच्चे अड़ गए कि आज हमें बिरयानी ही खानी है। आज बच्चों ने बड़े चाव से खाना खाया, बहुत इससे कि मम्मी आज हमारा मन खुश हो गया बिरयानी खाकर, बच्चे आज मेरे बहुत खुश हुए। और अनमोल तो बहुत ही हुआ, अनमोल की तो फेवरेट है, फेवरेट तो मेरी, पर बच्चों की वजह से मैं भी नहीं बना रही, अब बच्चों की खासी वजह से सब सही है, तो इसलिए मैंने कहा चलो बच्चों के लिए बना देते हैं, इनका मन है तो चलो। आज हमने सब्जी नहीं बनाई, सिर्फ बिरयानी बनाई। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज सारा दिन यूँ ही बीत गया, आज मैं लेटी भी नहीं, सारा दिन बस इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह बनाई, वो बस इन्हीं चक्करों में लगे रहे, आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेटी। और शाम को फिर उसके पापा आ गए, तो फिर बच्चों के लिए संभाल लिया, तो फिर उसमें लग गई मैं। और अब देखिए रात के बज गए हैं 12:30 बज गए हैं हमें, तो अनमोल कर रहा है अपने डैडी के पैरों की मालिश, क्योंकि उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि उन्हें रेस्ट नहीं मिलता बिल्कुल भी, उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता। वैसे सोच लो रात को बस 4-5 घंटे जो सोते हैं बस वही है उनका आराम, नहीं तो ऑफिस में भी नहीं उनको आराम मिलता। तो अनुराग गया है नीचे अभी किट्टू को खिलाने के लिए, किट्टू जग रही है। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी और आप लोगों ने सिर्फ 2 जनों ने ही बोला है हमें कि नाइस के अनुराग के लिए, आपने कमेंट नहीं करा, तो प्लीज़ कल आप ज़रूर कमेंट करिए, जिससे हमें पता चले कि भाई हमारी वीडियोस हमारे कौन कौन सब्सक्राइबर हैं जो देख रहे हैं और हमें कमेंट कर रहे हैं। तो अनुराग के लिए लिखिएगा कि नोटी कन्हैया या शांत कन्हैया जी, वैसे तो ज़्यादातर नोटी ही आएगा क्योंकि वो नोटी ही लगता है, मुझे खुद लगता है तो सभी को लगेगा, तो आप ज़रूर लिख के भेजिएगा। तो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग में, एक नई टाइटल के साथ में, तब तक के लिए प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए, और
खुश रहिए और गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय।